evening and welcome to the show Third Opinion with Mr. Bashani. I'm your host, Jasleen. Mr. Bashani, I do have a couple of questions that I would like to discuss with you, and then after that we will take a break, and I would also like to ask a couple of questions that our viewers have asked you in the last few episodes. So my first question to you is in regards to Imran Khan's statement of Indian Muslims. Can you please shed some light on this for us? Thank you, Jasleen. This statement जो है ये आई है जब UN Secretary General साहब visit कर रहे थे Islamabad. That was 2 days ago as we speak. तो उसमें जो है वो इस statement पे बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा background जो है कि जो United Nations Secretary General था उसने जो विज़िट की है दैट वाज नॉट ए पाकिस्तान स्पेसिफिक विज़िट दैट वाज द विज़िट जो है वो जो रिफ्यूजीज़ हैं अफगान रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान में उनके हवाले से एक कॉन्फ्रेंस थी वेरी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तो वो उसको विज़िट करने गया हुआ था ऑफिशियली बट बिकॉज हॉस्ट कंट्री जो है वो पाकिस्तान थी तो ज़ाहिर है फिर उसके हवाले से उसके कुछ इस्तकबालिए और कुछ मुलाकातें वहाँ पे हुई हैं जो कि कई हवालों से बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और उसी में जो है वो उसके जो रिसेप्शन के दौरान जो है वो इमरान ख़ान साहब ने जो तकरीर की वेयर ही स्पोक अबाउट इंडियन मुस्लिम्स तो ये सारी चीज़ें एक ही मौके पर हैं और इसके जो है वो कई पहलू हैं लेकिन दो तीन चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं इसमें जो लोगों के लिए जाननी ज़रूरी हैं कि पहली बात ये है कि जब ये वहाँ पे ये तकरीब हुई जिसमें कि सेक्रेटरी जनरल जो है वो मौजूद था तो उसमें इमरान ख़ान साहब ने जो है वो दो तीन इश्यूज़ को डिस्कस किया एक जो है वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन वेरी सैड के इंडिया ने जो है वो हमें धमकी दी है कि हम पाकिस्तान को 11 दिन में जो है वो शिकस्त दे सकते हैं और ये जो है उसके कहने का मतलब ये था कि एक इतनी बड़ी पावर को डेमोक्रेसी को और जिसके पास न्यूक्लियर है उसके हेड को इस तरह का बयान कैसे देना चाहिए तो दूसरे अल्फाज में ये शिकायत लगाना टाइप चीज़ जो होती है वो भी इसके साथ साथ फिर उन्होंने कश्मीर का ज़िक्र भी किया और ये कहा कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ है उसका तो अपनी जगह है लेकिन अब इंडिया हमें धमकियां दे रहा है कि हम आज़ाद कश्मीर को भी टेक ओवर कर देंगे तो इस हवाले से जो है ये इसके दो चीज़ें हैं और तीसरी चीज़ जो उन्होंने उठाई है और जो वो बार बार उठा रहे हैं कि उनके अल्फाज में इंडिया जो है वो सम काइंड ऑफ फाशिज़म की तरफ बढ़ रहा है और उसका वो जो हिस्टोरिकल हवाला देते रहते हैं कि जी जो आरएसएस है या बीजेपी के जो पुराने रहनुमा थे उनकी किताबों में क्या लिखा है और वो हिटलर की किस तरह तारीफ़ करते थे और देयरफॉर ये एक बहुत बड़ा डेंजर है और अगर अक़वाम-ए-मुत्तहिदा कुछ नहीं करती तो इट कैन गेट आउट ऑफ हैंड्स और इसकी वजह से जो है वो फिर एक प्रॉब्लम हो सकता है मुसलमानों का जो सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस सारी डिस्कशन और कहानी में है कि उनके कहने का मतलब ये था कि वहाँ पे आलमोस्ट लाइक 20 मिलियन मुस्लिम्स रहते हैं और अगर इस तरह की सिचुएशन शुरू हो गई और उनको वहाँ से निकलना पड़ा यानी वी आर ऑलरेडी डीलिंग विद द रेफ्यूजी क्राइसिस बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान सो 2.7 मिलियन अफगानीज दे केम टू पाकिस्तान आउट ऑफ विच बहुत सारे जो हैं वो रेफ्यूजी कैंप में हैं या आम लाइफ में हैं तो उसके कहने का मतलब ये था कि ऐसा ना हो कि हमें अनदर जो है वो 20 मिलियन पीपल जो है मुस्लिम्स वो इंडिया छोड़ें और उनको आना पड़े तो ये बरसगीर में एक बहुत बड़ा क्राइसिस है बाज़ाहिर ये बात उन्होंने जो है वो की बड़े धीमे अंदाज में लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है ना एक बहुत ही ड्रास्टिक किस्म की स्टेटमेंट है स्पेसिफिकली इन ए सिचुएशन व्हेन के इंडिया के अंदर एक टेंशन इस वक्त चल रही है ये मानना पड़ेगा कि वहाँ पर छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर कुछ रियासतों में या ज़्यादा रियासतों में एक टेंशन है और कुछ लोग जो है वो जो सियासी मसला है सिटीज़नशिप का मसला है या अमेंडमेंट का मसला है या रजिस्ट्रेशन वोटर जो क्या कहते हैं सिटीज़न रजिस्ट्रेशन का मसला है उसको कुछ लोग हिंदू मुस्लिम मसला बना के
तो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी ये सिचुएशन बहुत ही गंभीर है जी। अब लेट मी मेक माई सेल्फ क्लियर कि मैं जब ये बात करता हूँ तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं कोई जो सिटीज़नशिप बिल अमेंडमेंट के पूरे ड्राफ्ट से या उसकी अमेंडमेंट की पूरा जो एसेंस है उससे इत्फाक करता हूँ। ना ही मेरा मतलब ये होता है कि जो नेशनल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो कोई बेदाग और शफाफ और आइडियल है, बल्कि मैंने बार बार इसमें कहा कि ये जो है ये लेजिस्लेशन है और ये पॉलिटिकल स्टेप्स हैं जिसका जवाब जो है वो लेजिस्लेशन पॉलिटिकल स्टेप्स कोर्ट्स और पॉलिटिकल स्ट्रगल पीसफुल पॉलिटिकल स्ट्रगल के ज़रिए दी जा सकती है। लेकिन जो लोग इसको हथियार बना के वहाँ पे एक नए सिरे से एक मजहबी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट कर रहे हैं वो जो है बहुत ही जो जिसको क्या कहते हैं कि कंस्पिरेसी है, और वो लोग बेसिकली दे आर डेंजरस पीपल जो कि एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं एक सोसाइटी को तबाह करने की या उसके अंदर डिवीजन पैदा करने की। अब हुआ उसमें कोई भी शामिल है, कोई अपने आप को कितना बड़ा सेकुलर या प्रोग्रेसिव क्लेम करे, दैट डज नॉट मैटर जी। मैटर करती हैं आपकी डीड्स क्या हैं, आपके एक्शंस क्या हैं, एंड हाउ डू यू कम आउट ऑन ए स्पेसिफिक इशू लाइक दिस। चूँकि हमें बर सगीर की तारीख में हमने देखा है कि ये सारी चीज़ें सेकुलरिज्म के नाम पर भी, इस्लाम के नाम पर भी, मज़हब के नाम पर भी, हिंदुज़म इवन बुद्धिज़म ये सारे जो मज़ाहब हैं इनके नाम पर बहुत बड़ा बड़ा जुल्म तशद्दुद हुआ, तारीख के बड़े बड़े ऐसे खौफनाक वाकयात हुए, लोग एक दूसरे से लड़े, डिवीज़न पैदा हुई, नफ़रत पैदा हुई, और उसको हमेशा कोई मजहबी लोग ही लीड नहीं करते थे। समटाइम ये जो सेकुलर सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक लोग भी आगे आगे थे, और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल खुद 47 के वाक़यात हैं जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है ही वॉज़ लीडिंग ए पोलिटिकल पार्टी जो अपने आप को क्लेम करती थी सेकुलर जी, राइट हाँ जी, लेकिन वो सेकुलरिज्म की आड़ में जो काम शुरू हुआ वो टोटली एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बना के पेश कर दिया गया कि जो मुसलमान है वो मुस्लिम लीग में शामिल हो, दैट वाज द स्लोगन, या पाकिस्तान का मतलब क्या ला इला इल्ला। तो ये स्लोगन ख्वाह कोई जलसे या जुलूस की अगली सफ से मार रहा हो या पिछली से या दरमियानी से या दूर खड़ा हो के, लेकिन दैट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट प्रोसेस। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इंडियन सब कॉन्टीनेंट के अंदर रिलीजियस बुनियादों पर हेटर्ड का एक नया जो है वो सिलसिला खुला, जिसके नतीजे में मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं आइदर डिस्प्लेस्ड और किल्ड, और एक ब्लड शेड अननेसेसरी किस्म का तशद्दुद और खून खराबा हुआ। लेकिन वो लोग और उनके पैरोकार अगर वो ज़िंदा नहीं हैं तो वो भी आज तक नहीं मानते कि भाई ये लोग अपने आप को कहते तो सेकुलर थे लेकिन इन्होंने करके क्या दिखाया। चूँकि वेन यू आर टॉकिंग टू द पीपल, तो पीपल जो हैं दे आर नॉट इंटलेक्चुअल्स, दे कैन नॉट एनालाइज थिंग्स दैट क्लियरली, और आप उनको किसी आपकी लफ्ज से या किसी स्टेटमेंट से जो है आप उनको इंस्टिगेट भी कर सकते हैं, गलत रास्ते पे भी लगा सकते हैं, और जैसा कि होता आया है। अब ये जो इस चीज़ पे हो रहा है इस वक्त वहाँ पे, इसमें कुछ सेकुलर लोग उसके अंदर हैं जो ये समझते हैं कि ये बड़ा स्वाब का काम है, इट इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन एक्ट, because this law is a kind of one-sided discriminatory against the humanitarian concerns, to iske hum khilaf hain, chalo mumkin hai unke irade nek ho, lekin unki is harkat ki wajah se jo natija nikal raha hai that is totally different, right, kyunki wo natija jo hai wo ye hai ki isko bahut zyada religious basis pe jo hai wo organize kiya ja raha hai, to uske upar jo hai अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री विच इज़ ऑलरेडी काइंड ऑफ एट व्हाट यू कॉल इट एट कॉन्फ्लिक्ट विद दैट कंट्री, तो वो अगर ऐसा बयान दे दे कि जी यहाँ पे तो बड़ा खून खराबा हो सकता है या एक बहुत बड़े पैमाने पे 20 मिलियन पीपल जो है दे कैन कुड बी जो है रिफ्यूजी और उनको मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया जा सकता है इस सिचुएशन में, तो ये आप अपने कंसर्न का इजहार ज़रूर कर रहे हैं, मे बी के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जहन में ये कंसर्न हो, लेकिन इसके जो नतायज हैं वो ये हैं कि आप उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं, आप उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि दे हैव ए प्लेस टू गो
एंड वो फिर उस रास्ते पे लोग चलते हैं। मसलन जब अफ़गानिस्तान में ये हुआ था, अफ़गानिस्तान में मैं आपको ये जिस पे आज ये रोते रोते उन्होंने साथ में ये ऐड किया, 2.7 million अफगानीज दे कैम क्रॉस द बॉर्डर एंड कैम टू पाकिस्तान, दैट इज़ ट्रू। आई मीन इट कुड बी 2.5 और 2.3 और 1. समथिंग, लेकिन एक ह्यूज जो है वो तादाद में लोग जो वो आए। अब वो कैसे आए थे, एग्जैक्टली द सेम थिंग विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ, के एक कन्फ्यूजन, एक कंस्पिरेसी, और ऊपर से फिर लीडर ऐसे बयान देने शुरू हो जाएं। उस वक्त ये था कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो सोवियत आए या आ रहे थे, तो वहाँ पे ये अफवाहें फैलाई गई कि जी यहाँ पे तो पीछे से सोवियत आ रहे हैं जो काफ़र हैं और पता नहीं क्या हैं और दहशतगर्द हैं, और वो पूरी पूरी फैमिलियों को मार रहे हैं, बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं, दिस काइंड ऑफ फेक न्यूज़ उसको स्प्रेड करके। तो उन्होंने एक काफ़िला रवाना किया, लट से 2000 बंदे पे मुश्तमिल काफ़िला तैयार करके पाकिस्तान की तरफ रवाना कर दिया। हाँ जी। वो एक गांव में पहुंचे जिसको कोई आइडिया नहीं कि व्हाट्स हैपनिंग इन काबुल एंड हु आर सोवियट्स एंड व्हाट इज़ कम्युनिस्ट एंड व्हाट्स हैपनिंग। उनको बताया गया कि पीछे से सोवियत आ रहे हैं, हम भाग रहे हैं, आप भी भागो। आई एम टेलिंग यू माई सेल्फ बिकॉज आई गेव शेल्टर टू वन अफगान रेफ्यूजी, वन ऑफ माई हाउस वॉज वेकेंट। तो ये लोग वहाँ पे आए, तो ये वहाँ पे ऐसे ही जो है वो खेत में वो लगा के बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, तो मैंने उनको कहा कि दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ एम्प्टी, ऑल दो आई एम टोटली अगेंस्ट यू गाइज व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट्स हैपनिंग इन अफगानिस्तान, बट दिस इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन थिंग। तो आपके बच्चे बच्चियाँ साथ में, 6-7 लोगों का एक जो है वो ख़ानदान था, एंड दे वर नॉट इडियट्स, द गाय ही वॉज मोतसिब इन अफगानिस्तान, मोतसिब मीन ए जज, काइंड ऑफ सिविल जज, सो ऑब्वियसली ही वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन। सो आई गेव देम द स्पेस फॉर फ्री टू लिव, एंड देन आई समटाइम आई यूज टू गो देयर टू ड्रिंक देयर कावा एंड आस्क व्हाट्स हैपनिंग देयर। सो उसको मैंने पूछा, जब बहुत ज़्यादा हमारे दरमियान जो है वो एक दोस्ती बन गई, तो मैंने कहा कि भाई आप लोग आए क्यों वहाँ से, क्योंकि ये तो सारा खेल है, ड्रामा है, पैसे का कहानी है, इधर से CIA पैसे लगा रहा है, उधर से सोवियत वाले हैं बीच में, आप लोगों ने क्या अपने घर छोड़ के ये बच्चे जो है आके लगा दिए आप लोगों ने गार्बेज चुनने के लिए। तो उसने कहा कि भाई मैं आपको सही बताता हूँ, आई वॉज सीटिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो काफिला आया, चीखता चिल्लाता, बच्चे बूढ़े भाग रहे हैं, सामान उठाया हुआ। तो हमने कहा क्या, उन्होंने कहा इस वक्त पूछने का टाइम नहीं, उठो और भागो क्योंकि पीछे से सोवियत आ रहे हैं। और यही काम हमने आगे किया, हम जब भागते गए ऑल द वे टू द बॉर्डर्स, आई एम टेलिंग यू, एंड दिस इज़ अ वेरी सीरियस स्टेटमेंट। तो वहाँ जाके हमें पता चला कि भाई बाद में कई महीनों बाद जब हम पाकिस्तान में आगे आके कैंपों में एंड अप हुए और बहुत बड़ी जिल्लत और ख्वारी का शिकार हुए, चूँकि अफगान बड़े गैरतमंद किस्म के लोग हैं, मसाइल अपनी जगह होते हैं लेकिन उनका वो पर्दा गैरत ये चीज़ें बड़ी उनके। तो उसने कहा कि हमसे जो जितने हम जलील हो गए कि इसके बाद तो कुछ बचता नहीं, लेकिन बात यह है कि ये हमें मिसगाइड करके वहाँ से निकाला गया। मुमकिन है सोवियत जो है वो कुछ भी हुए हों, कम्युनिस्ट हैं या सख्त गिर थे या गोली चलाएंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन वो इस तरह तो कोई बात नहीं होती थी कि वो अफगानिस्तान में आके घरों में घुस के बच्चों को मार दें या औरतों को उठा दें। दे वर नॉट लाइक कोई वो डाकू या उस तरह के लोग, सिविलाइज लोग थे, सोवियत यूनियन वन ऑफ द मोस्ट सिविलाइज सोसाइटी एंड कंट्री। तो ये देखें इसको हुआ क्या था, वो काफिले क्यों चले थे अफगानिस्तान से, इसलिए कि पाकिस्तान के लीडर इसी तरह जो है वो प्रेसिडेंट हाउस में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के तो ये तकरीरें करते थे कि जी अफगानिस्तान में ये हो गया जी, सोवियत यूनियन ने वो मार दिया, वो बेगना हो गया, वो हो गया। खुद अपने गरेबान में नहीं जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं। ज़ियाउल हक का ज़माना था, उसने सियासी जो वर्कर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के उनको जो है वो किलों में बंद करके मारा हुआ था, तशद्दुद कर करके उनको माजूर कर दिया था, कई लोग जो है व्हील चेयर पर चले गए थे, कई लोग मर गए थे, कई लोग मुल्क छोड़ के भाग गए थे। और पाकिस्तान से तो 300-400 आदमी खुद भाग के अफगानिस्तान में गया हुआ था जहाँ से ये रिफ्यूजी मंगवा रहे थे बिकॉज ऑफ दैट मिलिटरी ऑपरेशन और तशद्दुद। लेकिन उनको ये सबक दे रहे हैं कि जनाब आप अफगानिस्तान में सोवियत आ गए, आपका दीन, ईमान, गैरत, एवरीथिंग इज़ इन डेंजर, सो कम। सो कम का मतलब ये है कि वी आर रेडी टू गिव यू एवरीथिंग यू नीड, बट दैट वाज नॉट द केस। राइट।
तो उनको बुला के तो फिर जो हैशर उनके साथ हुआ ये उनकी तीसरी नस्ल है गार्बेज चुन रहे हैं जी। तो इंडिया के मुसलमान रिफ्यूजी बनेंगे उनके दिमाग में कोई अगर ज़रा भर भी गोदा है तो वो एक डेमोक्रेटिक वेल सेटल्ड एस्टेब्लिश सोसाइटी को छोड़ के तो आके गार्बेज चुनेंगे ये कौन सी जो है वो एक स्टेटमेंट है। परफेक्ट थैंक यू मिस पशानी। व्यूअर्स प्लीज डू गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। Natural sweetener, flavor all. 20 flavors to choose from. The perfect substitute for sugar and artificial sweeteners. Flavor all by Greenish. Flavor all from Greenish, now available at Rexall pharmacies. Welcome back, viewers. Thank you, Mr. Bashani, for discussing the statement of Imran Khan. And now, if you can please also discuss about how Pakistani government is making new laws to control social media. Ye bada critical question hai, Jasleen. And just for the record, this is not just Pakistani government who is trying to control the social media. Okay. Balki ye dunya ki beshtar, beshtar means a lot of, most of. जो गवर्नमेंट्स हैं दे आर ट्राइंग टू डू दैट। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया जो है इज़ टेकिंग ओवर स्लोली बट श्योरली इज़ टेकिंग ओवर टू द मेन स्ट्रीम मीडिया। ठीक है ना, आस्ता आस्ता अब लोग सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू उसका। और उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली जो जर्नलिस्ट हैं या दूसरे जो ओपिनियन मेकर्स हैं या हमारी तरह के लोग हैं वो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं टू डायरेक्टली अप्रोच द पीपल, टू डायरेक्टली टॉक टू देम एंड डायरेक्टली गिव ए मैसेज, जो कि जाहिर है कि हुक्मरान तबका जिसको आप कहते हैं रूलिंग क्लास उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये हिस्ट्री में हर दौर में हुआ है, इसको अगर आप हिस्टोरिकल सेंस में देखें तो जो भी नया मीडिया आया है दिस इज़ नॉट जस्ट सोशल मीडिया, एवरी न्यू मीडिया हैड टू फाइट इट्स वे। और उनके खिलाफ लड़ने वाले सबसे पहले जो है वो रूलिंग क्लास एलीट और इस तरह के लोग होते थे, चूँकि उन्होंने हर दौर में जो मफादात होते हैं उनके उस वक्त के उसकी सबसे प्रिविलेज क्लास वो होती है। उस वक्त में जो एक ख़ास सोसाइटी में जो रिसोर्सेज होते हैं उसके मालिक वो होते हैं, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपाई होती हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत बना के पेश की होती हैं। सो दैट इज़ ए प्रोसेस वेयर दे फील थ्रेटन फ्रॉम ए न्यू वॉइस। अब ये आप पीछे पत्थर के ज़माने से लेके आएँ एग्रेरियन सोसाइटी जागीरदारी से होते हुए इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल एंड ये जो ज़माना है डिजिटल का, तो हर दौर में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी थी विच वाज मोर एडवांस देन बिफोर एंड दैट वाज टेकन ओवर और एटलीस्ट जो है वो उसको डिसक्रेडिट करने की कोशिश की गई। मसलन पहली दफ़ा जो है लोग ज़बानी बात करते थे, फिर जब कलम आ गया तो कलम वाज ए प्रॉब्लम, ये जो हम शायरी में यूज़ करते हैं कि कलम तोड़ दिया कलम से लिख दी जो है वो बना लिया, उसके बाद कागज़ उसके बाद ये प्रिंटिंग मशीन आई तो ये तमाम दुनिया ने उसके ख़िलाफ़ फतवे दिए उसको रोकने की कोशिश की, फिर न्यूज़पेपर आए तो दैट वाज अनदर बिग स्टोरी, उसके बाद फिर टीवी आया तो इज़ ए प्रॉब्लम और टीवी के बाद सोशल मीडिया आया तो अनदर प्रॉब्लम फॉर दैट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसलिए पाकिस्तानी स्पेसिफिक ये था। वैसे बाकी दुनिया में आपको बताऊँ कि तुर्की इससे पहले बहुत कुछ कर चुका है, दे हैव रिवर्स देयर डेमोक्रेसीज एंड सिविल लिबर्टीज वेरी स्ट्रॉन्गली और उन्होंने लोगों के हकूक़ काफ़ी हद तक सलब किए, उन्होंने वहाँ पर कहीं अभी भी जर्नलिस्ट जो हैं वो जेलों में हैं, पॉलिटिशन पोलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया के लोग जी, बिकॉज दे ट्राई टू कंट्रोल इट विद फोर्स। ये हंगरी में भी हुआ, बल्गारिया वगैरह में, ये ऑल द वे टू रशिया और चाइना तो खैर इसका एक चैम्पियन है, दैट्स वेयर पीपल लर्न एंड दैट्स वेयर पाकिस्तान लर्न हाउ टू कंट्रोल सोशल मीडिया। ओके,
اب چین کی یہاں پہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ چین سے یہ لیسن پاکستان صرف یہ نہیں لرن کر رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو کیسے کنٹرول کیا جائے، دے آر لرننگ ایوری سنگل تھنگ، ڈیموکریسی کو کس طرح لمیٹڈ کیا جائے، ڈیسنٹ کو کیسے فیس کیا جائے، اور یہ جتنی چیزیں ہیں نا جس کی وجہ سے چین کا جو سسٹم ہے وہ ایک ان نیچرل وے آف جو ہے اس سے چل رہا ہے، اس کو وہ بڑی دے آر گیٹنگ فیسینیٹڈ اینڈ دے تھنک دیٹ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا از گیونگ دیم اے کائنڈ آف گائیڈنس ٹو ڈیل ود دی سچویشن لائک دس وچ انکلوڈز سوشل میڈیا۔ بائی دا وے یہ جو ہے چین اس میں اتنا کامیاب ہوا کہ روس اور سمیت کئی ملکوں نے وہاں پہ اپنے لوگ بھیجے فار ٹریننگ، اینڈ آئی ایم ناٹ شیور بٹ آئی بلیو دیٹ پاکستان مسٹ ہیو ڈن دا سیم تھنگ ٹو سینڈ اے ڈیلیگیشن ایٹ لیسٹ ٹو لرن ہو ٹو کنٹرول سوشل میڈیا ان پاکستان۔ تو اس حوالے سے یہ ایک انٹرنیشنل فینامینا ہے، اس کو میں کوئی پورے طریقے سے پاکستان میں بلیم نہیں کرتا، لیکن پاکستان میں ہوا کیا کہ وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ جو نارمل میڈیا ہے ریگولر میڈیا اس پہ بہت زیادہ پابندی ہے، اسپیسیفکلی جو ٹی وی الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو بہت سختی سے کنٹرول کیا گیا، ان کو جو ہے وہ کہیں کو تنگ کر کے بند کیا گیا، کہیں جو ہے وہ جو لوگ نہیں مانتے تھے جرنلسٹ ان کو وہاں سے باہر نکالا گیا، کہیں کی تنخواہیں کاٹی گئی مختلف طریقے، کہیں کے بجٹ جو ان کو دیتے تھے اشتہار کاٹے گئے، تو اس طریقے سے ملٹیپل جو ویز تھے وہ یوز کر کے تو انہوں نے اس کو کنٹرول کیا، جس کی وجہ سے جو جرنلسٹ ہیں ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے انہوں نے سوشل میڈیا کا رخ کیا، تو کسی نے اپنا یوٹیوب چینل کھولا، کسی نے فیس بک پہ کیا، کسی نے کہیں اور جا کے جو ہے وہ شروع کیا، تو اس وجہ سے ایک آلٹرنیٹیو وائس ڈیولپ ہوئی پاکستانی سوسائٹی میں، اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ آلٹرنیٹیو وائس اس اسٹرانگلی اوبر کے سامنے آئی، لوگوں کے دو دو لاکھ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ جو ہے ویورز ہیں اور ایک کنسسٹنٹ قسم کی جو ہے وہ ویورشپ ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہو گیا کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، چونکہ ٹی وی کو تو ہم آرام سے سوئچ دباتے تھے، اب ان کو کنٹرول کرنے کا انہوں نے طریقہ یہ نکالا کہ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وچ از یوٹیوب انسٹاگرام ہو گیا، یہ جو ہے فیس بک وغیرہ، ان کو کہا کہ آپ ود ان تھری منتھس جو ہے وہ اپنے اپنے دفاتر کھولیں، یور آفیسز ان دی کیپیٹل سٹی آف اسلام آباد، اور اس میں ان کے لیے جو انہوں نے لیجسلیشن کی کہ فرسٹ آف آل اف اینی انٹیلیجنس ایجنسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کوئی انفارمیشن چاہیے تو یہ دینے کے پابند ہوں گے، دوسرا مطلب یہ کہ اسلام آباد میں یوٹیوب کا دفتر کھل کے پاکستانی حکومت کے لیے جاسوسی کا کردار ادا کرے گا، سو دے ڈونٹ ہیو ٹو بادر ٹو ڈو دیئر لیگ ورک، دیئر جو ہے وہ حوالدار یا سپاہی جائے گا اور جا کے یوٹیوب والے کو کہے لے آؤ بھائی کیا ہے تمہارے پاس، اس آدمی کا کیا ماضی ہے، کیا اس کا فیوچر ہے، کیا اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، سیم تھنگ فیس بک انسٹاگرام دوسرا تیسرا، اور وہ ڈسکلوز کرنے کے پابند ہوں گے، یعنی دفتر کھولنے کی شرط ہی یہی ہے کہ یو ہیو ٹو ڈسکلوز، اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز آبویسلی یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو اٹ، سو دیٹ مینس یو ڈونٹ وانٹ ٹو اوپن یور آفس، اینڈ دیٹ مینس وی ہیو ٹو بلاک دا ہول تھنگ، مثلاً اگر یوٹیوب کہتی ہے کہ نو 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 وی آر ناٹ اوپننگ بیکاز دس از لائک بینگ دا پارٹ اینڈ پارسل آف اے اسپائی گروپ اور سم تھنگ اور ڈو دا انٹیلیجنس ورک فار یو اینڈ وائی وی شوڈ بی ڈوئنگ دیٹ، تو وہ اگر ریفیوز کریں گے تو ان کے پاس پھر ایک بالکل ایک معقول قسم کا ریزنیبل ایکسکیوز آ گیا کہ وی ہیو اے لا ان دس کنٹری وچ واز انیکٹڈ بائی دی پارلیمنٹ اینڈ اٹ سیز دیٹ یو مسٹ رجسٹر اینڈ یو آر ناٹ رجسٹرنگ دیئر فور وی آر ناٹ ڈوئنگ بزنس وتھ یو سو وی آر بلاکنگ یو رائٹ، سو دیٹ ول اپلائی ٹو دا فیس بک ٹو دا ٹویٹر آل آف دیم، تو اس طریقے سے پھر وہ کیا کریں گے، اگر یہ مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کو آپریٹ کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اینی انفارمیشن دے نیڈ دے ول پرووائڈ دیم، کسی صحافی کو وہ دبانا چاہیں گے تو اس کو یہ تھریٹ کریں گے کہ ہم تمہیں بند کرا دیں گے بیکاز دے ہیو ٹو، اندر کلاز ہے اس میں کہ سینسیٹیویٹیز، ایک نیا لفظ انہوں نے شروع کیا سینسیٹیویٹیز کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ہم بہت سینسیٹیو لوگ ہیں اور ہماری بہت ساری چیزوں کو آپ کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، اف یو آر ناٹ اکوموڈیٹنگ دیٹ مینس وی کین ٹیک این ایکشن اگینسٹ یو، اور اس میں پھر انہوں نے ایک جرمانہ رکھا ہے
which is I don't know kitne 100 crore hai, which is really huge amount. Yeah. And nobody will ke aap ye cheeze nahi dikha sakte, unhone dikha di to unko jurmana hoga. So that jurmana is really big penalty. So therefore I'm saying that ye jo hai inka ek khash hai ke ye is tarike se tareekh ka rasta rokenge, as I said. Ji. तुर्की में जो है वो 600 साल पहले किसी ने फतवा दिया था एक मुल्ला ने कि प्रिंटिंग प्रेस जो है ये शैतानी चीज़ है, इसको ये नहीं चल सकती. लेकिन प्रिंटिंग प्रेस चल गई, वो मुल्ला कौन था, अब कहाँ है. ये जो है सोशल मीडिया, दिस इज़ दी थिंग ऑफ द टाइम, यू नो. और इसको आप रोकेंगे तो कोई मुतबादल तरीका, कोई लोग वो सर्वर, दूसरा सर्वर लगा के yeah. कोई कुछ करके लोग सर्वाइव करते हैं, दैट्स हाउ पीपल दे हैव बीन डूइंग थ्रू आवर हिस्ट्री. लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम हिस्ट्री से अगर कोई सबक सीखते भी हैं तो उल्टा सीधा नहीं सीखते. परफेक्ट, थैंक यू मिस बशानी फॉर डिस्कसिंग माय सेकंड क्वेश्चन. नाउ मिस्टर बशानी, आई वुड लाइक टू जंप इनटू मे बी वन और टू क्वेश्चंस. इट्स इन रिगार्ड्स टू द कपल ऑफ शोज यू हैड ऑन लास्ट टाइम. दिस इज 2 weeks अगो यू हैड डन. दिस इज फ्रॉम दीपक. मिस्टर दीपक हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन एंड ही इज सेइंग हिंदूज हैज ऑलवेज वेलकम्ड एंड रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजियंस. ओल्डेस्ट चर्च एंड ओल्डेस्ट मॉस्क स्टिल एग्जिस्ट इन केरला. Trouble began when Muslims grew beyond a certain percentage of population. That's when they showed their real colors. So what he means, or that's the common thing. Kya naam hai inka? Deepak. Deepak. Haan, ye sawal dilchasp hai. Aur Kerala mein chunki bahut padhe likhe log hai na, wahan pe literacy rate bahut aayi hai. Haan ji. To usse fark padta hai. Literacy rate se. Bashardiya ke literacy se aap aage ko fayda bhi uthaein, ko kitab bhi padhein. अब ये नहीं कि मैं लिटरेट हूँ yeah. तो बस ठीक हूँ hmm. तो फिर किताब पढ़ने का भी उस सोसाइटी में अब इतना रिवाज नहीं है. सो देयर फॉर पीपल दे हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें सामने रख के तो लोग जो है वो मिसगाइडेड है. और वो मिसगाइड कोई सिर्फ एक तरीके से नहीं होते कि कोई एक ही ग्रोह उनको कर रहा है, उसमें सारे शामिल हैं. पॉलिटिशियन का प्रॉब्लम ये है कि उनके सबसे बड़ा मफाद होता है अपनी ज़ात, और वो जो होता है ना खुद पसंदी, जिसको कहते हैं ना सेल्फ, जो उनका एक कम्प्लेक्स होता है अपने आप को लाइक करने का, वो बहुत ज़्यादा है. एंड दे हैव टू विन. तो विन की दौड़ में वो फिर ये उसूल, ज़ाबते, अखलाकियात, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, इस सब को भूल जाते हैं. तो इसकी वजह से ये जो फ्यूल अप हुआ, अब ये मुसलमान जो है वो ग्रो हुए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ही सेज आई बिलीव, तो उसके बाद उन्होंने अपना असल कलर शो किया. तो आई डोंट एग्री विद इट. आई डोंट थिंक दैट एनी कम्युनिटी ऑन रिलीजियस बेसिस हैज़ एनी ट्रू कलर. ठीक है ना जी. चूँकि ये मेरे ख्याल में कोई दुरुस्त स्टेटमेंट नहीं है कि मैं अगर कहूँ कि मुसलमानों का है ना असल कलर और ये हिंदू का असल कलर या ये बुद्धिस्ट का असल कलर, बिकॉज दीज पीपल आर बेसिकली दे आर पीपल, और उनकी बेसिक नीड्स जो हैं वो हैं ह्यूमन नीड्स, जो सब ह्यूमन की मुश्तरका है. उनको रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, खाने के लिए खाना, रोज़गार, शेल्टर, और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, इज्जत नफ्स जिसको आप कहते हैं जी, सेल्फ रिस्पेक्ट, जो सोसाइटी में हर फर्द का वो होता है. अब जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है और ये इन चीज़ों की जिसको इज्जत नफ्स कहते हैं, मे बी आई एम नॉट यूजिंग दिस करेक्ट वर्ड इन इंग्लिश, लेकिन उसका मतलब ये होता है ना कि एवरी पर्सन इज इक्वल टू अदर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन. राइट. किसी को आप मैज इसलिए छोटा नहीं बना सकते कि उसका ये रिलीजन है और उसका ये कलर है. क्योंकि ये जो कलर की हम बात करते हैं तो ये तो हर रिलीजन में ऐसे लोग हैं जिनका अपना जदा कलर होता है. एंड देयर आर मैनी इन मुस्लिम्स कि उनका एक कलर है जिससे आई स्ट्रांगली इख्तलाफ करता हूँ मैं, दैट इज़ नॉट ए प्रॉपर और कोई ऐसा जो है वो काबिल तारीफ कलर नहीं है. उसके अंदर जो दहशत गर्दी है या हेटेड है या अपने आप को सुपीरियर समझने का सफ़र है या अपने आप को हिंदुस्तान से बाहर की कोई ऐसी खलाई मखलूक समझने का है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंडम होनी चाहिए और ये इस पर कोई इनको डिफेंड नहीं करता. लेकिन ये चीज़ें जो हैं इनको, इनसे डील करने का एक तरीका होता है. अगर आप इस तरह चीज़ों को डील करेंगे कि आपके बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो है वो जलसा आम में
ये कह देंगे इसको गोली मार दो और उसको लात मार दो और उसको बाहर फेंक दो और ये हिंदुस्तानी नहीं है और वो गद्दार है, पॉलिटिशियन एट दिस स्टेज. सो दैट मीन्स यू आर सेटिंग ए प्रेसिडेंट, एक आप एक जो है ना चीज़ को, एक बाल जो है यू आर सेटिंग ऑन रोलिंग, राइट, और उसको फिर रोकना जो है वो मुश्किल हो जाता है. मैं मुझे बार बार फिर वही मिसाल देनी पड़ती है कि देखें जो 47 में डिवीज़न हुई उसके पीछे जो है वो आप देखें कितने लंबे अरसे की एक पॉलिटिकल स्ट्रगल थी किसी तरीके से इस हिंदू मुस्लिम जो है डिवीज़न को रोकने के, एंड उसमें मोर मुस्लिम्स दे वर इन्वॉल्व्ड जी देन हिंदूस. फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली जिन्ना, कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना, ही वाज वन ऑफ द टॉप पर्सन हु वाज स्पीकिंग अबाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एंड देन ही टर्न बैक एंड स्टार्टेड स्पीकिंग अपोजिट. अब ये दो चार साल जो आखिरी 40 के बाद के अशरे के साल हैं उसके अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने जो एक नया एक जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया, एक नया स्टैंड पॉइंट लेके आए, उसमें उनकी दलाइल बहुत सारे ऐसे थे कि उसमें ये कसूर है उसमें, यहाँ तक कि उन्होंने ये दलील दी थी कि गांधी जी जो है वो चूँकि मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं चूँकि सेकुलर हूँ इसलिए आई डोंट एग्री विद गांधी. वो जी अपने चेले चांडू को लेके आ जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं कांग्रेस में बैठ के, हालांकि गांधी जी जो है वो प्रे में जाके जो पढ़ते थे जी, वो ईश्वर खुदा वाला जो है वो गीत हर सुबह को, वो टोटली जो है उसके अपोजिट बात करता था कि वो एक सेकुलर और एक मुतीदा हिंदुस्तान के अंदर मुतीदा मजाहब सारे मजाहब की बराबरी की बात करते थे. लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर उनके काबू में नहीं रही और वहाँ पे फिर जो है एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जिसको कोई भी रोक नहीं सका. सो इसीलिए मैं पहले भी ये कहा था, मैं ये कहता हूँ कि इसमें जो है वो मुमकिन है कि बाज़ मुसलमानों ने कोई अपना कलर शो किया हो, लेकिन देखें मुसलमानों का सबसे बड़ी चीज़ जो उनके सीखने की है कि दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड दे शुड नॉट एक्ट differently and they should not do the things which are creating hatred and division in that society, and same applies to any other community including Hindu. So is tarah to ye blame game jo hai it will further divide the society, isse to kisi ko koi fayda nahi hoga. That's right. Thank you Mr. Bashani, thank you viewers for watching our show and sending us a lot of comments and questions, and we will see you guys next week.